तो मगन हो गया। हे पीपल, आज हम आए हैं धर्मराजेश्वर मंदिर जो कि चंदनगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर से जुड़े कई रोचक तथ्य आपको अचंभित एवं आश्चर्यचकित करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर घुसते हैं, आपको दिखते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश और मोर। आर्कियोलॉजी सोसाइटी द्वारा यहाँ का बहुत ही अच्छा रख रखाव किया गया है। ये जो आप बेसिकली सामने देख रहे हैं, ये है वह गुफा और इसके अंदर जब आप नीचे जाते हैं तो आपको दिखता है मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के इतिहास को समझने के लिए हमें दो धर्मों में देखना पड़ेगा। पहला धर्म है हिंदू धर्म, हमारा धर्म, और दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म। प्राचीन काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले, तब पांडवों ने यहाँ शरणागत ली थी। मान्यताओं के अनुसार भीम द्वारा ये मंदिर अपने नाखूनों से खरोच कर बनाया गया है। इस मंदिर की सबसे पहली विशेषता है कि ये जो मंदिर है सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला को काट काट कर बनाया गया है। भीम द्वारा पहले उस पर्वत श्रृंखला को खोखला किया गया, फिर खोखला करने के बाद उसको स्ट्रक्चर दिया गया। ये अपने ही आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला को काट के ये मंदिर बनाया गया। अगर हम बौद्ध धर्म में देखना चाहें तो प्राचीन काल में बहुत से बौद्ध भिक्षु ने यहाँ पर आकर शरणागत ली थी। जय भोलेनाथ। सो ये है प्राचीन काल में बना धर्म राजेश्वर मंदिर।
आकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय हो बाबा महाकाल। प्राचीन काल के मंदिरों का एक बेहतरीन नमूना, सुंदर लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाला। चलिए आगे के मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो ऋतिक, फाइन। देवांश, हेलो भाई साहब, क्या हाल है आपके? हेलो अमन, जय श्री महाकाल, 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 महाकाल बाबा की। आओ आगे चलें। जैसा कि मैंने बताया, बाहुबली भीम द्वारा नाखूनों से तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो जब उन्होंने स्टार्ट करा, ये जो पूरा एक पर्वत था, इस पूरे पर्वत को उन्होंने कार्व करना स्टार्ट करा। मंदिर को जब ऊपर से नीचे आते वक्त बनाते गए भीम, तब उन्होंने सबसे पहले ऊपर एक कलश बनाया, फिर नीचे आते आते चट्टानों को खोखला कर करके उन्होंने नीचे गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित किया, जहां उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना की। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर। अभी तक जितना हमने मंदिर घुमा वो पूरा का पूरा हिंदू मान्यताओं के अनुसार था। अब हम घूमेंगे बौद्ध मान्यताओं के अनुसार। यहाँ आने के लिए हमें QR कोड स्कैन कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ी, जो कि आपको करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ज़रूर लेके आए। वाओ, सो गया। ये सीन है और इधर इसके अंदर सारे पांडवों की वो मूर्तियां बनी हुई है। चलो आ जाओ। वाओ, और यहाँ पर है हमारे लेटे हुए भीम साहब। बाहर से दिखा सकता है तो थोड़े बहुत, अंदर जाएगा तो बिल्कुल डार्क हो जाएगी। ओ हाँ,
ओके, सो मान्यता के अनुसार भीम इस मंदिर को बनाते बनाते सो गए थे, तो शायद ये उन्हीं की प्रतिमा है सोते हुए। सो बेसिकली हमने जस्ट अभी एक मिथ ब्रेक करने का ट्राई किया है कि इसको जब लेफ्ट से नापते हैं और राइट से नापते हैं तो अलग अलग वेज आते हैं, लेकिन हमारे सेम आया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमारे लिए सेम आया। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ओ भाई साहब, बड़े बड़े भाई साहब, रात में आ जाओ, डर जाओ, तेरे ऊपर ही है साले। चमगादड़ भाई साहब, मैं भी caves and only caves. फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो है बड़ी कचहरी। सो इस वाले वीडियो को हम यहीं एंड करते हुए, ये था हमारा प्राचीन मंदिर धर्मराजेश्वर का एक छोटा सा टूर, जो कि कल रात की 11 बजे प्लान किया गया था, शार्प 11 PM, और आज ये सक्सेसफुल हो गया। सो इट वॉज काइंड ऑफ नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you so much for watching this vlog.